हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI द्वारा निकाले गए स्टेनो LDC एंड अदर पोस्ट जैसे कि EDP असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर पोस्ट के बारे में। तो ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं आप किसी भी स्टेट से, और 12th पास मांगी है तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फिल करके बताऊंगा। फॉर्म स्वयं भर पाएंगे आप, फॉर्म रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक कैसे भरना है फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपको मैं अपना यूट्यूब चैनल दिखा दूँ ऑल जॉब केंद्र, जिसमें मैं संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य से निकलने वाली सरकारी भर्ती की खबर देता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड रिजल्ट, फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो इस टाइप की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की और भी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस पे आ सकते हैं। और इधर रिक्रूटमेंट के अंदर वैकेंसीज पे जब क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, जिसमें ये एक लिंक आ रहा है 5th नंबर पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस, इसमें आ रहा है फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट, EDP असिस्टेंट, जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर, स्टेनोग्राफर डी एंड लोअर डिवीजन क्लर्क इन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI नोएडा में। द लिंक ये है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शैल बी मेड अवेलेबल बाय 19/11 से अवेलेबल है, और 18 दिसंबर तक ये रहेगा। तो व्यू करना है एडवर्टीजमेंट तो आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं इसका एडवर्टीजमेंट, और रजिस्टर करना है तो रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ आप पूरा एडवर्टीजमेंट इसका पढ़ लीजिए, मैंने बना रखा है, मेरे चैनल पे मौजूद है, और उसको आप देखने के बाद जब आप अपनी एजुकेशन देख लेंगे, क्वालिफिकेशन, जब आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, एप्लीकेबल हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए और इस पेज पे आप आ जाएंगे, जहाँ पे आपका ये पूरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इंपॉर्टेंट नोट दिए हैं, पूरा जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, हाउ टू अप्लाई दिया है, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की दी है 19/11 से और 18 दिसंबर 2022 के रात्रि 11:59 तक। तो आप लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, जल्दी से जल्दी भरने की प्रयास कीजिए। हाउ टू अप्लाई दिया है, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे कि फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, और साइज़ क्या क्या लगना है और फॉर्मेट क्या रहना है वो सब इसमें लिखा है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट सब जुटा लीजिए फॉर्म भरने से पहले, और सर्टिफिकेट लगना है अगर रिक्वायर्ड होगा तो ये सब आप चीज़ें पढ़ लीजिए, उसके बाद आप आई एग्री पर टिक कीजिए और प्रोसीड टू रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। ये लोडिंग होगा, प्लीज़ वेट कहेगा आपको, 100% तक इसको लोड होने देंगे, और इसके बाद ये कहेगा रिकमेंडेड ब्राउजर टू फिल द फॉर्म कौन कौन से हैं, तो उस टाइप से ये आपको मैसेज देगा, इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल रिसीव द लॉगिन ID एंड पासवर्ड आपको मिल जाएगा। आप रजिस्टर जब सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको लॉगिन ID और पासवर्ड मिल जाएगा आपके रजिस्टर ईमेल पे। द यूज दिस लॉगिन टू लॉगिन एंड फिल योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए आपको ये मदद करेंगे। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी यू मे कॉन्टेक्ट द हेल्प डेस्क टैब अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल आफ्टर लॉगिन। फ़ोन नंबर ये दिया है और टाइमिंग ये दिए हैं, ऑन वर्किंग डेज में आप संपर्क कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें आ रहा है पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो पोस्ट आपकी है डिप्टी जनरल, डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट, EDP असिस्टेंट, जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर, JHS, स्टेनोग्राफर डी, LDC। तो स्टेनोग्राफर पे अप्लाई कर रहे हैं हम, पोस्ट कोड 4 है, कैंडिडेट नेम आप यहाँ भरिए अपना, मैं कैंडिडेट नेम फिल कर दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर आप अपने यहाँ भरिए, मोबाइल नंबर मैं सैंपल के तौर पर डाल रहा हूँ, आप अपना एक्टिव और वैलिड डालिएगा जिससे कि उस पर आपका आगे का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आए, और ईमेल आईडी आप डाल दीजिए यहाँ, और ईमेल आईडी अपनी एक्टिव और वैलिड डालिएगा क्योंकि उस पर अपना आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा, और उसको कन्फर्म भी करना है आपको। और ये आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, ये आप अपने एक्टिव और वैलिड डालिएगा क्योंकि इसी पे आपका लॉगिन आईडी लॉगिन करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा। मैं अभी सैंपल के तौर पर डाल रहा हूँ, तो आप
अपना एक्टिव और वैलिड ही डालिएगा। इसके ईमेल को डालने के बाद, मोबाइल नंबर को डालने के बाद, इनको कंफर्म करने के बाद, ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड है, इसको फिल करना है आपको। इसको फिल करने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। ये कह रहा है द इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। एक बार आपने सबमिट कर दी तो उसके बाद मॉडिफाइड नहीं होंगी। इफ़ यू वेरीफाइड द इन्फॉर्मेशन टू बी करेक्ट एंड टू सबमिट एल्स क्लिक कैंसिल। अगर कैंसिल करना चाहते हैं, एक बार सही नहीं है तो रिव्यू अगेन एंड देन सबमिट, आप चेक कर लीजिए और उसके बाद ही सबमिट कीजिए। तो मैं सही है मेरी, अब मैं इसके बाद ओके कर रहा हूँ। ओके कर दिया ये मैंने, ये मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। ये मैसेज आ गया नोट पे कि ये आपका यू हैव बीन साइंड अप सक्सेसफुली काइंडली, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। काइंडली कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म बाय यूजिंग द क्रेडेंशियल शेयर्ड ऑन योर ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर पे। आपको आपकी क्रेडेंशियल शेयर्ड कर दी गई हैं, ये साफ साफ लिखा है। प्लीज़ क्लिक ऑन द क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म एट द राइट कॉर्नर। इस पे राइट कॉर्नर पे आपको कह रहा है क्लिक हेयर करें टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये लोड लेगा 100% तक। उसके बाद आप वेट कीजिए और 100% लोड होने के बाद आप अपनी आगे की प्रोसेस फिल कीजिएगा। ये इंस्ट्रक्शन देता है, इसको आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और डिक्लेरेशन आपको फिल करनी है। इसको क्लोज कर दीजिए। आप पोस्ट किस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पोस्ट का आपका सीक्वेंस नंबर ये आ गया और स्टेनोग्राफर का कोड आ गया। सेलेक्ट जेंडर कर दीजिए, मेल हैं कि फीमेल हैं। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे जब आप, तो एग्जामिनेशन की सिटी आपको चूज़ करनी है, तीन चूज़ कर लीजिए। तो आप कहाँ का चाहते हैं, मैं मुंबई लिख लिया, उसके बाद मैंने कोलकाता लिख दिया, उसके बाद दिल्ली NCR लिख दिया। आप तीन आपको कंपलसरी हैं, तीनों पे स्टार मार्क है, तीन अलग अलग आपको सिलेक्ट करनी है। तो उसके बाद कैटेगरी कौन सी है आपकी, जनरल है, EWS है, SC है, ST है, क्या है, वो आप भरिए। तो मैं UR से भर के दिखा रहा हूँ आपको, और आपकी जो भी हो आप वो भरिएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ हम भर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ हमारी ठीक है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दी। उसके बाद कह रहा है आर यू एक्स सर्विस मैन, तो येस और नो अपने हिसाब से कर दीजिए। आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय ऑफ ऑटोनोमस स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन या PSU के हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट के हैं, तो येस और नो अपने हिसाब से कर दीजिए। उसके बाद ये कह रहा है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, तो ये सेव एंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दिया, ये डाटा सेव्ड हो गया। उसके बाद ये पर्सनल डिटेल पे आ गया जिसमें आपका कैंडिडेट नेम आ रहा है, फादर्स का नाम आ रहा है, फादर्स का नाम आप भरिए। उसके बाद फादर्स के नेम के आगे कह रहा है विदाउट सैल्यूटेशन, यानी कि उसके आगे उनका जो मिस्टर या जो भी आगे का वो होता है सैल्यूटेशन, वो आपको लगाना नहीं है, विदाउट सैल्यूटेशन लिखना है। ऐसे ही मदर्स नेम के आगे भी श्रीमती नहीं लगाना आपको, या मिसेज नहीं लगाना। तो मदर्स नेम आप अपना लिखिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, मैरिड है कि अनमैरिड है, डिवोर्स्ड हैं, विडो हैं, तो मैं अनमेरिड हूँ, नेशनलिटी इंडियन ही आ रही है, और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी ये आ गई आपकी। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, अपना पर्सनल एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस क्या है आपका। पर्सनल एड्रेस लिखने के बाद कंट्री इंडिया आ रही है, स्टेट आप क्या चाहते हैं, स्टेट आप लिखिए, यहाँ स्टेट आ गया आपका। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी, डिस्ट्रिक्ट लिखिए। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद पिन कोड लिख दीजिए। पिन कोड लिखने के बाद इस परमानेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यस पे क्लिक कर दीजिए, ये सेम कॉपी हो जाएगा। अगर नहीं है तो मैन्युअली टाइप कर लीजिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ये अब डाटा सेव्ड सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद ओके कर दीजिए। अब ये क्वालिफिकेशन डिटेल मांग रहा है, तो इसमें 12th पास आउट मांगा है, तो पहले 10th की डिटेल भरेंगे, फिर 12th की डिटेल भरेंगे हम। तो नेम ऑफ द बोर्ड आपका, 10th का नेम ऑफ द बोर्ड क्या था, तो मेरा MP बोर्ड से था। आपका जो भी हो, UP, CBSE बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी हो आपका वो भरिएगा। ईयर ऑफ पासिंग क्या था आपका, तो ईयर ऑफ पासिंग लिखिए आप अपना। तो मैंने ईयर ऑफ पासिंग लिख दिया। इंस्टीट्यूशन नेम लिख दिया मैंने अपना। और सब्जेक्ट क्या थे, सब्जेक्ट 10th में ऑल सब्जेक्ट होते हैं, तो आप ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से कुछ भी लिख दीजिए आपको जो अच्छा लगे।
और परसेंटेज कितने आए थे मेरे, मैं वो लिख देता हूँ। उसके बाद आप 12th की डिटेल भरिए, कौन सा बोर्ड था आपका, जैसे कि मेरा एमपी बोर्ड था, एमपी बोर्ड लिख रहा हूँ मैं। तो एमपी बोर्ड लिखने के बाद इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, इंस्टीट्यूशन का नाम लिख दिया मैंने। उसके बाद आप सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या था मेरे पे, पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, तो आप पीसीएम लिख देंगे। ईयर ऑफ पासिंग लिख देंगे, ईयर ऑफ पासिंग कब करी थी आपने, तो ईयर ऑफ पासिंग लिख देंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने आए थे वो लिख देंगे। वो लिखने के बाद इसको आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं मांगी इसमें, और ना स्टार मार्क्ड है, केवल आपका इसमें 12th मांगी है, तो 10th की डिग्री और 12th की क्वालिफिकेशन आपकी मांगी है। अगर आप पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कोई डिग्री या मास्टर डिग्री है तो वो आप फिल कर सकते हैं, और कोई एक्सपीरियंस है तो एड रो करके आप फिल कर सकते हैं। तो इसको स्क्रॉल डाउन करके अपन नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नहीं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल में आपका यहाँ मांगा है स्टेनोग्राफर लैंग्वेज की, स्टेनोग्राफी की लैंग्वेज, तो सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे कि इंग्लिश है कि हिंदी, तो इंग्लिश करेंगे कि हिंदी करेंगे। आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आपको क्या आती है स्टेनोग्राफर की लैंग्वेज में, तो हिंदी के इंग्लिश, तो वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए कि हिंदी आती है कि इंग्लिश आती है स्टेनोग्राफर की, तो वो आप चेक कर लीजिए। और डू यू हैव स्किल टेस्ट नॉर्म्स डिक्टेशन 10 मिनट्स एट 80 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांजिक्शन 75 मिनट्स ऑन मैनुअल टाइपराइटर एंड और 65 MTS ऑन कंप्यूटर पे होना चाहिए, यानी कि आपके 65 MTS ऑन कंप्यूटर होना चाहिए। और डिक्टेशन की, डू यू हैव स्किल टेस्ट नॉर्म्स डिक्टेशन 10 MTS एट 80 वर्ड्स पर मिनट्स, ट्रांसक्रिप्शन पे होना चाहिए, और 75 MTS ऑन मैनुअल टाइपराइटर पे होना चाहिए, ये बताया गया है आपको। या तो मैनुअल टाइपराइटर पे आपकी 75 MTS हो या 65 MTS आपकी कंप्यूटर पे हो, तो ये बताया गया है इसमें आपकी है कि नहीं, तो इसको यस करना है, और नो करते हैं तो ये कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो इसको आपको यस करना पड़ेगा। आप को ये कह रहा है आप इस अगर क्वालिफिकेशन को एसेंशियल करते हैं हिंदी में ये आ रहा है, अगर आप इसको इंग्लिश करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए ये 65 MTS मैनुअल टाइपराइटर पे आ रहा है और 50 MTS, तो आपकी जो भी है इंग्लिश में है तो इंग्लिश करिए, हिंदी में है तो हिंदी करिए, हिंदी कर देता हूँ मैं, आपकी जो भी है उसमें टाइप कीजिए। और नो नहीं कर सकते, नो करेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल आ रहा है, क्योंकि ये मैंडेटरी है, इसको येस ही करना पड़ेगा। आप येस कीजिए, इधर से आप हिंदी इंग्लिश चुन लें, और जो ऐसा अगर इंग्लिश चुनते हैं तो इंग्लिश में जो आ रहा है ये, अगर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैच करती है तो ये करिए, और हिंदी में अगर मैच करती है तो हिंदी कीजिए, और इसको येस जरूर करना है, नो कर देंगे तो आप अप्लाई एप्लीकेबल नहीं है। तो मैंने हिंदी कर दिया सैंपल के तौर पे और यस कर दिया। और इसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं मांगी गई इसमें। इसको बाद इसको नीचे लाएंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ये डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा, ओके कर देंगे, और पेमेंट की आपकी फ़ीस आ जाएगी 500 रुपये, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्लिक हेयर टू अपलोड करेंगे, तो ये अपलोड आ रहा है आपको 100 KB तक की JPG फॉर्मेट में अपलोड करनी है, और सिग्नेचर आपके अपलोड करने हैं 30 KB तक JPG फॉर्मेट में, इसको क्लोज कर देंगे आप कर लीजिए। और मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है यहाँ स्कैन करा के, 1 MB तक ओनली PDF JPG फॉर्मेट में, तो यही सब डॉक्यूमेंट मैं अपलोड कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए अपने, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे और यहाँ सिक्योरिटी कैप्चा कोड आप अपना फिल करेंगे। सिक्योरिटी कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप इसको प्रीव्यू देख लेना चाहें तो देख सकते हैं, और अगर आपका पूरा सही है तो उसके बाद आई एग्री कर दीजिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए। इसको सबमिट करने के बाद डू यू वांट टू सबमिट कह रहा है, ये ओके कर देंगे तो सबमिट हो जाएगा, और ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके पेमेंट गेटवे पे, जाके ये आपका आ रहा है पेमेंट मोड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं आप, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ये इतने सारे बैंक आ रहे हैं आपकी जिसमें भी इसमें सुविधा हो। 500 रुपये का भुगतान आपको करना है ऑनलाइन माध्यम से, तो आप जब ऑनलाइन माध्यम से कर देंगे उसके बाद आपके मोबाइल में एक OTP आएगा,
वो वेरीफाई करने के बाद और सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद आप उसका प्रिंट आउट लॉग इन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म का, ऑनलाइन फॉर्म का आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो उसको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में दोनों में संभाल के रखिएगा फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ये बिलिंग डिटेल आपकी पूरी कंप्लीट हुई, मैंने आपको रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक, पेमेंट तक पूरा बताया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने मित्रों के साथ, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसी प्रकार की और भी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।